मुख्यमंत्री के निर्देश पर और डिप्टी सीएम के निर्देश पर जिस तरह से अभूतपूर्व व्यवस्था किया गया है, यहाँ विधानसभा घूम रहे हैं दीघा घाट से लेकर गांधी मैदान तक, एकदम 700 फीट चौड़ा लंबा आप तालाब बनवाइए और 60 फीट चौड़ा तालाब बना है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, समाज सेवी बिट्टू सिंह घाट पर निकले हैं अपने लोगों के साथ घाट निरीक्षण करने के लिए। आपको दिख रहा होगा विजुअल्स में कि किस तरह से समाज सेवी बिट्टू सिंह जो हैं वो खुद छठ करते आए हैं, 20-25 साल से छठ करते आए हैं और अभी भी व्रत में ही हैं, लेकिन पहुंच गए हैं घाट पर निरीक्षण करने के लिए। किस तरह से वो पहुंचे हैं घाट पर लोगों के साथ, उसके बाद स्टीमर पर जाएंगे, उसके बाद कहा जा रहा है कि एलसीडी घाट पे बैन लग चुका है, मतलब वहां पे खतरा था, तो लोग जो लोग हैं वहां पे अलग व्यवस्था की है, वहां पे भी हम जाएंगे। लेकिन देखिए किस तरह का व्यवस्था और किस तरह से घूम रहे हैं बिट्टू सिंह। देखिए, हम अभी स्टीमर पर हैं और हमारे साथ समाज सेवी बिट्टू सिंह मौजूद हैं। पूरा घाट देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, क्या व्यवस्था है, बढ़िया लग रहा है कि नहीं? देखिए, अभूतपूर्व व्यवस्था किया गया है नगर निगम की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से, और इसमें सभी लोग, हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे पटना नगर निगम को जी, पटना जिला प्रशासन को, साथ ही साथ इरिगेशन विभाग के लोगों को और बिजली विभाग के लोगों को, मुख्यमंत्री के निर्देश पर और डिप्टी सीएम के निर्देश पर जिस तरह से अभूतपूर्व व्यवस्था किया गया है, जो डेंजर जोन है डेंजर जोन उसको अंकित किया गया है, जो सेफ जोन है उसको पूरा ये लोग ठोक बजा कर बैरिकेटिंग हुआ है और ठोक बजा कर देखा गया है। पूरा दीघा विधानसभा घूम रहे हैं दीघा घाट से लेकर गांधी मैदान तक, एकदम आप आज के अखबार में पढ़े होंगे कि एलसीटी घाट को डेंजर जोन में रखा गया है, लेकिन पटना जिला प्रशासन की ओर से कल हम लोग डीएम साहब को कहे थे, डीएम साहब तुरंत उस पर कार्रवाई की और नगर निगम के आयुक्त कार्रवाई करते हुए कहे 700 फीट चौड़ा लंबा आप तालाब बनवाइए और 60 फीट चौड़ा तालाब बना है। तो आपने बोला तो तालाब बन गया कि नहीं बन गया? एकदम बन गया। धन्यवाद देना चाहेंगे नगर निगम आयुक्त को और पटना डीएम को, जो कहने पर तुरंत बनवा दिए और हमारे पास वीडियो भी आया, अभी अभी जाएंगे वहाँ उतर के जाकर देखेंगे। तो एलसीडी घाट पहुँच गए हैं और ये जो सामने नजारा है इसी के बारे में बता रहे थे क्या? हाँ, देखिए एलसीडी घाट को डेंजर जोन में घोषित किया गया था और यहाँ के लोगों में बहुत चिंता था कि कैसे इस जगह को उपयोगिता हो सके, तो इसमें एक तालाब बनाने का काम किया जा रहा है 700 फीट का जी। आपके लोकल पार्षद के लड़के भी हैं यहाँ पर, छोटी जी हैं और लोग हैं, सारे लोग लगे हुए थे कि इस जगह को बन जाए ताकि लोगों में मायूसी था, और डीएम साहब को कहने के बाद तुरंत वो आदेश दिए कि आप लोग एक पोखर जरूर, मतलब एलसीडी घाट और यहाँ के आसपास के जो भी लोग हैं वो निराश नहीं होंगे। नहीं होंगे, और जरूरी भी था कि लोक आस्था का पर्व है, लोग इतना दूर कैसे जाएंगे, और जाने के बाद पता चला कि वो डेंजर जोन में है, तो इसलिए ये जो बना है और हर वर्ष बनता ही है, सारे लोग एकदम गदगद हैं, एकदम खुश हैं। बहुत खुश होंगे। आप तो उन लोगों से पूछिए जो लोग यहाँ के लोग जी, आप बताइए कि मतलब कि अब जो भी लोग हैं आसपास वो यहाँ पे अपना कर सकते हैं पूजा, यहाँ पे पूजा के लोकल जो भी यहाँ के आके कर सकते हैं। तालाब बन रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है, पहले था कि घाट में थोड़ा सा। कितने लोग इस तालाब में, मतलब कि कितने लोग होंगे? 2000 लोग। लेकिन निराश जो हुए थे कि घाट पे वो लग गया, रेड अलर्ट था, सब चीज था, मतलब कि सब चीज ठीक हो गया? उसके लिए सबके मन उदास हो गया था, कोई भी चाहता है कि अपना लोकल घाट जो शुरू से करते आ रहे हैं वहाँ करें, आस्था जुड़ा हुआ रहता है। अब चले घाट नहीं है लेकिन तालाब है, वो भी गंगा जी का समझे की गोद में ही है। जितने भी पटना के छठव्रती हैं उनको दिक्कत नहीं होने देंगे? एकदम। देखिए, प्रयास करना चाहिए, छोटे छोटे प्रयास से आज यहाँ के अगल बगल के जितने लोग हैं बहुत खुश हैं कि चलिए एक पोखर तो है जिसे, तालाब तो है जिससे कि हम लोग यहाँ पर अपना लोक आस्था छठ व्रति की बात आई तो आप भी तो 20-25 साल से छठ करते हैं। जी हाँ, करते तो हैं। इस बार क्या मांगेंगे आप अपने पटना के लिए? कुछ मांगना नहीं है अपने लिए, कुछ नहीं मांगना है पटना वासियों के लिए, सब लोग के लिए मांगेंगे जो छठ में होता है, यही हम लोगों का कामना है। चलिए, तो आपने देख लिया कि समाज सेवी बिट्टू सिंह जो हैं वो स्टीमर से पे सवार होके सारा जो घाट है उसका निरीक्षण किए, पूरा दीघा विधानसभा घूम लिए और अभी एलसीडी घाट के पास आए हैं। आपको दिख रहा होगा कि किस तरह का व्यवस्था किया गया है, क्योंकि एलसीडी घाट को बैन कर दिया गया है, बहुत खतरा था, इसीलिए सारे लोग मिलके
ये चीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं छठ व्रती जो हैं वो यहाँ पे भाग ले सकते हैं और यहाँ पे ही पूजा कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा कि जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, पार्षद जो थे वो भी यहाँ पे मौजूद थे और सब लोग बहुत खुश हैं। क्या कुछ माहौल था, किस तरह का घाट निरीक्षण किया बिट्टू सिंह ने, वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर पेज को लाइक कर। धन्यवाद।